इस देश में जमीन से जुड़े हुए नेता तो कई हुए हैं, पर जमीन से जुड़ने का एक अलग स्टाइल अगर किसी ने निकाला है तो वो है दामाद श्री रॉबर्ट वाड्रा। अब वो जमीन किसी की भी हो, सरकार की हो या गरीब किसान की, वो उसे अपने नाम कराए लेते हैं, या यूं कहिए कि अपने हिसाब से उस जमीन से जुड़ जाए। भाई हमारे देश में भाई भतीजावाद तो काफी देखा है, पर रॉबर्ट वाड्रा ने एक नई परंपरा शुरू की, दामादवाद की। गांधी वाड्रा परिवार के दामाद को सारे गुनाह माफ है, पर उन्होंने ये सब किया कैसे, जरा ध्यान से सुनिए। लैंड सीलिंग एक्ट से शुरू करते हैं। इस एक्ट के अनुसार कोई भी नागरिक हरियाणा में 54 एकड़ और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में 175 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता। पर किसानों की जमीन का रस कुछ ऐसा है कि दामाद श्री की इतने में ही प्यास नहीं बुझती। उनके नाम पर कितनी एकड़ जमीन है उसका हिसाब ही नहीं, जमीन के लिए जमीर बेच देते हैं और उफ तक नहीं करते। कब तक चलेगा ये सब, कब तक सहेंगे हम, कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं। इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी, इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे, जनता माफ नहीं करेगी। पर दामाद श्री ये अकेले कैसे कर लेते हैं? अरे अकेले नहीं करते ना, कांग्रेस की राज्य सरकारें और कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स इनके हर कदम पर साथ हैं। जो भी ऑफिसर इनके काले कारनामों पर पर्दा डालता है वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता है, और किसी को नौकरी मिले ना मिले उन ऑफिसर्स की नौकरी पक्की बनी रहती है। हरियाणा सरकार ने तो दामाद श्री को आंख मूंद कर क्लीन चिट दे दी, और कांग्रेस राज में राजस्थान सरकार ने भी इनके व्यापार को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जिस ऑफिसर ने ये काम किया उसे रातों रात कांग्रेस सरकार ने यूपीएससी में बड़ी पोस्ट दे डाली। नामाचरी बन गए हैं लैंड माफिया। इन्हें हरियाणा और कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने माफ किया। कब तक सहेंगे हम, कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं, इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी, इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे, जनता माफ नहीं करेगी। अब जानिए ये जमीन कैसे हड़पते हैं। एक ऐसी जमीन जो इनकी नहीं है ये घोटाले से अपने नाम करा लेते हैं, फिर इसी जमीन को डीएलएफ बिल्डर को बेचकर करोड़ों रुपए कमाते हैं, एक पैसा भी खर्च नहीं किया और पैसों का अंबार खड़ा कर लिया। ये हुई ना बात, और ये सब होता है सोनिया गांधी से मिल रही प्रोटेक्शन के कारण। दामाद श्री का लगता है बस यही सपना, सोनिया जी का नाम जपना, पराया लैंड अपना। कब तक चलेगा ये सब, कब तक सहेंगे हम, कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं, इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी, इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे, जनता माफ नहीं करेगी। अब जानिए कि ये बिना रोक टोक के ये काम कर कैसे लेते हैं। भैया सासू माँ और साले साहब ने पूरी छूट जो दे रखी है, किसानों की जमीन पर बिल्डिंग्स खड़ी करने की योजना दिखाकर फर्जी लेन देन करते रहे। इन पर न जाने कितने ही कानूनी केस हो सकते थे,
पर किसी की क्या मजाल जो इनको छू सके। अगर इन पर केस बनाए जाए तो इन पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है और इन्हें दंड दिया जा सकता है, पर ये सजा नहीं होने वाली। भाई परिवार से हैं, इतना तो हक बनता है। दामाद रहे आबाद, भले किसान हो जाए बर्बाद। कब तक चलेगा ये सब? हाँ, कब तक सहेंगे हम? कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं, इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी। इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे, जनता माफ नहीं करेगी। अच्छा, आपने सुना होगा कि हर महारथी का एक पसंदीदा हथियार होता है। दामाद श्री का पसंदीदा हथियार है बेनामी लेन देन। इस तरह की बेनामी लेन देन कर करके इन्होंने वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट खड़ा किया है। पर इस मॉडल का फायदा किसे हुआ है? किसानों को, गरीबों को, आपको, मुझको? अरे नहीं, दामाद श्री को। वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ही है सिर्फ वाड्रा का डेवलपमेंट होगा और किसी का नहीं। यहाँ किसान जिंदगी भर अपना कर्ज ना चुका पाए, पर दामाद श्री की संपत्ति 1 लाख से बढ़कर 300 करोड़ तक हो गई। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ना उनके पास बिजली है ना पानी है, पर दामाद श्री संस्थानों का गलत इस्तेमाल करके शाही जिंदगी जीते रहे। कब तक चलेगा ये? कब तक सहेंगे हम? कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं, इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी। इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे, जनता माफ नहीं करेगी।